पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके सामने यूकेजी हिंदी वर्कशीट लेकर आई हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने र से ऋषि वाले शब्द तक कंप्लीट किया था। आज हम बात करने वाले हैं ए की मात्रा से लेकर र पदेन की मात्रा तक। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें ए की मात्रा लगाओ। मैंने यहाँ पे पहले दो शब्द वाले अक्षर लिखे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने लिखा है दो अक्षर वाले शब्द। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए की मात्रा लगाएंगे। जैसे रेल, बेल, तेल, जेल, शेर, बेर, देर और ढेर। उसके बाद आता है तीन अक्षर वाले शब्द। जैसे यहाँ पे मैंने तीन अक्षर वाले शब्द लिखे हैं, तो यहाँ पे बच्चे को मात्रा लगानी बताइए आप। जैसे शेखर, तेवर, जेवर, घेवर, सवेरा, यहाँ पे सपेरा, बसेरा और ठटेरा। उसके बाद आता है जोड़कर लिखिए। जैसे यहाँ पे अलग अलग अक्षर लिख दिए हैं और मात्रा भी लिख दी है, तो बच्चा उसको जोड़कर लिखेगा। जैसे ठ, फिर ए, फिर ल, आ। तो ठ, फिर ए पे मात्रा, फिर ल, आ। ठेला, यहाँ पर चेला, इस तरीके से कराइए। उसके बाद आता है गोले में दिए गए अक्षर को जोड़कर लिखो। मैंने क्या किया है, यहाँ पे गोले में एक अक्षर लिखा हुआ है, जैसे रे, रे पे मात्रा भी चढ़ी हुई है। अब यहाँ पर बच्चे को शब्द पूरा करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेगा वो, रे ल, रे त, रे खा, इस तरीके से लिखेगा। तो यहाँ पे पहले रे ल, रे त, रे खा, इस तरीके से बच्चे को कराइए। उसके बाद आता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है के, के में फिर यहाँ पे केक, केला और केरला, इस तरीके से बच्चे को दीजिए। उसके बाद आता है ए की मात्रा। ए की मात्रा में जैसे मैंने यहाँ पे फिर से वैसे ही किया है जैसे पहले बताया बच्चों को, तो इस तरीके से दो अक्षर वाले शब्द, इसमें भी आप ऐसे प्रैक्टिस कराइए। तो यहाँ पे हम दो मात्रा वाले शब्द लिखेंगे, तो दो मात्रा लगाएंगे। थैला, मैला, वैसा, जैसा, सैर, पैर, कैदी और पैड़ी। उसके बाद इसी तरीके से आप तीन अक्षर वाले शब्द दीजिए। तो तीन अक्षर वाले शब्द में भी वो बच्चा एक ही मात्रा लगाएगा। भैया, इस तरीके से कराइए, तो बच्चों को ए की मात्रा और दो की मात्रा में अंतर पता चल जाएगा। उसके बाद इसमें ए की मात्रा वाले में भी आप जोड़ कर लिखवाइए उनसे। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बच्चे को क्या करना है, दो मात्रा लगाएगा इस तरीके से। बैल, यहाँ पे दो मात्रा, बैल, इस तरीके से प्रैक्टिस कराइए। उसके बाद गोले में दिए गए अक्षर को जोड़कर लिखिए। जैसे मैंने उसमें एक मात्रा वाले शब्द लिखे थे, यहाँ पे दो मात्रा वाले लिखे हैं। पै लिख के फिर यहाँ पे सा, पैसा और यहाँ पे दल, पै दल, इस तरीके से बच्चे को पहले अलग अलग बताइए, फिर वो बच्चे उसे जोड़कर लिखेगा। पैसा, पैदल, फिर ऐसे यहाँ पे लिखना है उसको। आता है सही शब्द पर गोला बनाइए। तो बच्चा पहले इन शब्दों को पढ़ेगा। तो यहाँ पे जैसे थेला लिखा है, तो वो पहले एक मात्रा करके उसे प्रोनाउंस करेगा, तो उसके बाद दो मात्रा वाला पढ़ेगा थेला, फिर इसे पढ़ेगा। तो इस तरीके से आप उसको बताइए, फिर वो जो उसको सही लगेगा उस पर वो गोला
लगाए तो ये बहुत सही रहता है। इसमें आइडेंटिफाई होता है कि एक मात्रा आएगी या दो मात्रा आएगी, जैसे तरोक, तैराक, तेराक, यहाँ पे गोला लगाएगा तैराक। तो जैसे यहाँ पर एक मात्रा वाले लिखे हैं मैंने बेल, बले, बलो, इस तरीके से फिर एक शब्द से ही होगा इसके गोला लगाएगा। वेद, वैद, बते, तो क्या सही हमारा उसके बाद आता है जैसे ओ की मात्रा, ओ की मात्रा वाले शब्द लिखो। तो जैसे यहाँ पे ओ की मात्रा वाले शब्द लिखिए बच्चों को लिखने के लिए, जैसे मोर, चोर, भोर, गोल और सोना। इस तरीके से आप ओ की मात्रा वाले शब्द दीजिए। उसके बाद आता है जोड़कर लिखिए, जैसे यहाँ पे ज, फिर आकडंडा, उसमें मात्रा, फिर र, तो बच्चा इसको जोड़कर लिखेगा जोड़ लिखेगा बोल। अगला आता है हमारा ओ की मात्रा, ओ की मात्रा वाले शब्द लिखो। यहाँ पे आप बच्चों को ओ की मात्रा वाले शब्द लिखने के लिए दीजिए, जैसे यहाँ पे दो मात्रा वाला शब्द लिखना है मुझे, तो जैसे फौज, मौज, लौकी, चौकी, पौधा, इस तरीके से शब्द दीजिए लिखने के लिए। उसके बाद आता है जोड़कर लिखिए, तो यहाँ पे मैंने अलग अलग अक्षर लिख दिए हैं तो इनको बच्चे जोड़कर लिखेगा मिला मिला कर, इस तरीके से लौकी यहाँ पे लिखा है प, अ, इस तरह। जब उसको ए की मात्रा, ओ की मात्रा और छोटे से छोटे ए की मात्रा ये सब उसको आ जाएगा, उसके बाद आप उसे इस तरीके से पैराग्राफ कीजिए। तो उसमें क्या होगा, ये मैंने अलग अलग शब्द लिखे हुए हैं, जब इसमें मात्राएं चढ़ जाएंगी तब उसका पूरा अर्थ निकलेगा। तो आप इस तरीके से एक्टिविटी कराइए उनको। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साहन घर आ, तो यहाँ पे मात्रा चढ़ेगी, तो मात्रा कौन सी चढ़ेगी वो आप बच्चों को इसमें करके दिखाइए। जैसे यहाँ पे एक मात्रा चढ़ेगी सोहन घर आ, फिर जैसे यहाँ पर मया फसला कर, तो यहाँ पे हम मात्रा चढ़ाएंगे मैया फैसला कर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैदी बाहर आ, उसके बाद शैतान तैर कर आ, रमैया का ढोल मत बजाओ, मौसी घर साफ कर, लौकी की पकौड़ी बना। तो इस तरीके से ए की मात्रा, ओ की मात्रा इस तरीके से आप देंगे तो भी बच्चे को आसानी रहेगी मात्राओं को समझने में। यहाँ पे मैंने लिखा है शब्दों को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर क्या है, ये शब्द लिखे हुए हैं तो इनको पूरा कैसे करना है, सिर्फ मात्रा चढ़ाकर। तो यहाँ पे मर लिखा है वैसे, तो यहाँ पे हम इसे मात्रा चढ़ाएंगे मोर, मोटा, ये रोहन की मात्रा, मात्रा और एक ही मात्रा दे सकते हैं। और ये जैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि पढ़ो लिखो और इनका, ये मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि रमेश फल ला, वैभव थैला ला। तो इस तरीके से आप उन्हें रीडिंग कराइए, जब रीडिंग करेगा तो उसे लिखने के लिए दीजिए, और जैसे ही वाक्य उसे लिखना आ जाएगा, वर्ड लिखने आ जाएंगे, तो फिर उसको इमला दीजिए। उसके बाद आता है अंक की मात्रा, यहाँ पे मैंने अंक की मात्रा लगाओ लिखा है दो अक्षर वाले शब्द, यहाँ पे दो अक्षर लिखे हुए हैं। अब दो अक्षर वाले जो शब्द हैं इसमें क्या करना है, बच्चों को इस तरीके से दीजिए कि बच्चे को सिर्फ यहाँ पे क्या लगानी है, अंक की मात्रा लगानी है, यानी बिंदी लगानी है। तो यहाँ पे जैसे र, ग, रग, बिंदी लगाते ही अर्थ बदल जाएगा, रंग, दंग, संग, ढंग, मंदा, ऐसे आप तीन अक्षर वाले शब्द में भी दीजिए, झंकार, जंगल, मंगल, अंजीर,
आप करके ले लीजिए। उसके बाद आता है सही शब्द चुनकर लिखो। जैसे यहाँ पे मैंने पूरा वाक्य लिखा हुआ है, अब यहाँ पर आप इसको क्या करना है बच्चे को कि यहाँ से सही शब्द चुनना है। तो गगा होगा या गंगा होगा, तो वो इस तरीके से पहले उसको पढ़ेगा, फिर वो यहाँ पे लिखेगा। यहाँ पे क्या आएगा, गंगा, और यहाँ पे फिर गंगा चंगा ला। उसके बाद अगला आता है जैसे इसमें डैश मेल रंग मत डाल, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रंग और रंग। यहाँ से बच्चे को लिखना है रंग में भंग मत डाल। तो इस तरीके से जो इसमें सही होगा उसको बच्चा कर लेगा। उसके बाद आता है चित्र देखकर शब्द लिखो। जैसे यहाँ पे मैंने चित्र बनाया है, अब यहाँ पर क्या लिखा, ये क्या चित्र है, किस चीज का चित्र है, ये संदूक। उसके बाद कंघी, मात्रा वाले इस तरीके से शब्द आप दे सकते हैं। उसके बाद आता है चंद्र बिंदु, जो अंक की मात्रा होती है। तो इस तरीके से सेम ऐसे ही आपको इसमें भी कराना है कि बच्चों को चंद्र बिंदु लगाने के लिए दीजिए। मैंने यहाँ पे शब्द लिखे हुए, तो यहाँ पे बच्चा चंद्र बिंदु लगाएगा। आंधी, बंगला, शब्द चुनकर लिखो। तो यहाँ पर मैंने शब्द लिखे हुए और यहाँ पर बच्चे को टिक करना है। तो जो सही है उसको पहले टिक लगवा दीजिए। बांसुरी, तो यहाँ पे क्या लिखना है, बांसुरी मत बजा। उसके बाद डैश मोड़ कर आ, तो यहाँ पे आँख और आँख ये लिखे हुए, तो यहाँ से सही शब्द बच्चा लिखना है। पर आता है दिए गए वाक्यों में सही मात्राएं लगाइए। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया है, चंद्र बिंदु और बिंदु दोनों की मात्राएं मैंने इसमें मेंशन की है। तो ये जो वाक्य है इसमें कहीं पे बिंदु आएगी, कहीं पे चंद्र बिंदु आएगी। जैसे यहाँ पे अंगूठी पहन, तो यहाँ पे अंगूठी पहन। यहाँ मत आ, यहाँ पे दंगा मत कर। इंजन मत चला, माँ का कहना मान। कांच से मत खेल। तो चंद्र बिंदु और बिंदु, इन दोनों में भी बच्चों को अंतर इससे पता चलता है। उसके बाद आता है विसर्ग। विसर्ग मीन्स अंगह, जिसको हम अंगह बोलते हैं। तो अह की आवाज आती है इसमें। जैसे यहाँ पे शब्द पूरा कीजिए, तो मैंने यहाँ पे शब्द लिखे हुए, बच्चों को विसर्ग लगाना है इसमें। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, दो बिंदी लगाएंगे। प्रातः, ये क्या बन गया, नमः। ये क्या है, दुखी। छह, नमः। शन है, अतः। भूपे और काम। तो इस तरीके से दो बिंदु वाले शब्द बच्चों को दीजिए कराने के लिए। उसके बाद आता है र रेफ, र की मात्रा। इसमें क्या आता है, री, री जो मतलब शब्द के ऊपर मात्रा चढ़ेगी। तो मैंने इसमें जैसे यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं, यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरीके से मात्रा चढ़ानी है। तो यहाँ पे सूर्य, सर्प, कर्ण, शौर्य, कार्य, दर्पण, गर्जन। तो बच्चा इस तरीके से मात्रा चढ़ाएगा। उसके बाद बच्चों को ये रीडिंग करने के लिए दीजिए। बच्चा इसको रीड करेगा, हर्षित घर चल, आर्य जल गर्म कर। तो इस तरह से पढ़ेगा और फिर उसको लिखेगा और फिर आप उसको हिला दीजिए। उसके बाद आता है र पदेन की मात्रा। इसमें र की आवाज़ आती है, पर हमें कहाँ पे लगाना होता है वो बच्चे
बच्चों को पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे भी मैंने शब्द पूरा कीजिए लिखा है, तो यहाँ पे बच्चे को यहाँ पे मात्रा लगानी है। उम्र, क्रम, अग्र, प्राण, प्रेम, ब्रश, चक्र, प्रकार, भ्राता और ग्राम। इस तरीके से आप दीजिए तो बच्चे को ये पता चलेगा कि कहाँ पे मात्रा आएगी, और इनको जरूर रीड करने के लिए भी दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पढ़ो लिखो इमला, ये हमें तीनों एक्टिविटी जरूर करानी है। यहाँ पे लिखा है फ्रिज में से सेब ला, तो यहाँ पे र की भी आ रहे हैं अक्षर और ए की मात्रा वाले भी आ रहे हैं, तो वो आपके बच्चा जो है पूरे तरीके से सीख जाएगा। तो फ्रिज में से सेब ला, फ्रिज बंद कर, प्रणाम कर, सूर्य निकल गया। उसके बाद आता है चित्र देखकर मिलान कीजिए। मैंने यहाँ पे चित्र बना दिए, अब यहाँ पे मैंने शब्द जो लिखे हैं वो अलग अलग उसके लिखे हैं, तो बच्चे को ये पहचानना है कि किस तरीके से हमें कौन सा वाला शब्द मिलाना है। तो जैसे ये बच्चे को बताइए चित्र को देखकर ठीक से त्रिभुज मैच करेगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्या बना हुआ है, सूर्य बना हुआ है, सूर्य को मैच करेगा, ये चक्र बना हुआ है, चक्र को मैच करेगा, और ये कान है जिसको हम शुद्ध हिंदी में कर्ण बोलते हैं, कान को मैच करेगा। तो इस तरह से बच्चे को सारी मात्राओं का ज्ञान हो जाता है। जब आप बच्चों को एक एक करके सारी चीज़ें प्रैक्टिस कराएंगे तो बच्चा आसानी से समझ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें जो कंटेंट है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो मेरी वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।